स्वागत है आप सबका एसजी फूड वर्ल्ड में। आज मैं लाई हूँ आपके लिए पनीर पकोड़ा की रेसिपी। ये रेगुलर स्टाइल में बनने वाले पकोड़ा से बहुत डिफरेंट है और टेस्ट भी उसके मुकाबले कई गुना बेहतर है। चलिए शुरू करते हैं पनीर पकोड़ा बनाना। पर उससे पहले, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ के साथ बेल बटन प्रेस कीजिए लेटेस्ट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन के लिए। सबसे पहले हमें बेसन का एक बैटर बनाना है। उसके लिए हमने यहाँ पे लिया है आधा कप बेसन, यानी कि 100 ग्राम। इसमें ऐड किया है आधा कप पानी, यानी कि 100 ml। पानी को एक बारी में ऐड मत कीजिए, धीरे धीरे करके पानी ऐड कीजिए, साथ के साथ बेसन को घोलते जाइए। ध्यान रखिए कोई भी लम्स नहीं रहने चाहिए। जब बेसन अच्छे से घुल जाए, इसका एक बैटर तैयार हो जाए, तो इसमें डालेंगे 3 तुरी लहसुन ग्रेट करके। साथ ही डालेंगे नमक स्वादानुसार, आधा टीस्पून देगी मिर्च कलर के लिए, 1/4 टीस्पून हल्दी। सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिला लेंगे। और अब डालेंगे आधा टीस्पून विनेगर। और चुटकी भर फूड कलर, ये ऑप्शनल है। मिक्स कर लेंगे और रेडी है हमारा बैटर। अब लेंगे मेन इंग्रेडिएंट पनीर। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है। पनीर की कटिंग मैंने क्यूब्स में करी है, जिस मर्जी साइज़ के क्यूब्स में कट कर सकते हैं आप। मैंने यहाँ पे 1/4 इंच साइज़ में कट किया है। बहुत ही जल्दी बन जाते हैं ये स्टार्टर्स, हमें मैरिनेट करने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें रेडी हैं, बस अब तलना है। तलने के लिए कढ़ाई में ऑयल गरम करेंगे। अब एक एक करके पनीर के क्यूब्स को डिप कीजिए बैटर में और फ्राई कीजिए। आठ से दस के बैच में अच्छा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे। और इन्हें पलट पलट कर सब तरफ से गोल्डन कलर होने तक तलना है। तैयार है पनीर के पकोड़ों का पहला बैच। ऐसे ही बाकी पनीर के क्यूब्स को भी फ्राई कर लेंगे। पनीर के पकोड़ों को थोड़ा क्रिस्पी करने के लिए हम डबल फ्राई करेंगे, हाई फ्लेम पर 15 से 20 सेकेंड के लिए सिर्फ। हमने फर्स्ट टाइम में जब फ्राई किया था तो हाफ फ्राई नहीं किया था, इसलिए इस टाइम में हम सिर्फ 15 से 20 सेकेंड के लिए हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। तैयार है पनीर के पकोड़े मॉडर्न स्टाइल में।
ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आप सबको ये रेसिपी, शेयर कीजिएगा सजेशन एंड कमेंट्स। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलेंगे ऐसी ही और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।